सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस से माफी मांगने को कहा तो कमलनाथ ने पलटवार कर दिया। देखिए, कांग्रेस को तो अब माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस ने कभी इस बात के प्रयास नहीं किए कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत निकाय के चुनाव हो। और दूसरा, हम जब प्रयास कर रहे थे, हमने आयोग बनाया, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया। हमने सारे फैक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखे तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई ठीक ढंग से जानकारी नहीं रखी। हम लोगों ने जिस तैयारी के साथ और जिस फैक्ट के साथ और जिस मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये देश का पहला केस है। और इसलिए सरकार ने कितनी मजबूती से ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं होना चाहिए और आरक्षण के साथ ही चुनाव। मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष की आबादी 50% से ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार केवल 14% हो सकता है। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है और बीजेपी ने सही तरीके से पेश किया केस। पिछले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था जो ट्रिपल टेस्ट का, ट्रिपल टेस्ट कोई नई चीज नहीं है, ट्रिपल टेस्ट की बात तो महीनों से चल रही है, सालों से चल रही है। इन्होंने सही तरीके से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब जो उन्होंने 50% तक सीमा तक कहा है, इसका मतलब 14% मिलेगा। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है। इस पर कांग्रेस विरोध करेगी। हम फिर से जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे।